सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारे पास है ये सैमसंग का J7 Pro। तो चलिए इसका हम मॉडल दिखा देते हैं आपको। तो देख सकते हो सैमसंग J730GM, जिसको हम सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro के नाम से जानते हैं। और प्रॉब्लम देख सकते हो इसमें क्या दिखा रहा है, इमरजेंसी रिकवरी फंक्शन, स्मार्ट स्विच, पीसी सॉफ्टवेयर, फ़ोन ऑन करने में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको करेंगे आज हम फ्लैश। तो चलिए इसका हम डाटा केबल कनेक्ट कर देते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए यूज़र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी ऐसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो आती रहे उसको आप देख सको और सीख सको सॉफ्टवेयर करना। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे आप तक। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप पर और करते हैं इसकी हम फ्लैशिंग अप। तो देख सकते हो ये हमारी फर्मवेयर है कि J7 Pro की। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चार फाइलों का सेटअप है, होम, CSE और CSE एक ही होती हैं, पांच हैं लेकिन चार हैंगी, ये दो सेम है। तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी करके रखी है तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए रिप्लेस करने को बोल रहा है, ऑलरेडी एक्सिस्ट के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको कट करते हैं और अपना टूल प्रो ओपन कर लेते हैं, सैमसंग का Z3X बॉक्स से करेंगे आज इसको हम फ्लैश। तो ये हमारा बॉक्स ऑलरेडी ओपन है इस पर, और यहाँ पे आपको अपना मॉडल डाल देना है J730GM। तो देख सकते हो ये हमारा मॉडल है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा बॉक्स, ये यहाँ पे हमारा मॉडल सेलेक्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ बूट पे जाएंगे। और यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे, बूट पे BL वाली फाइल सेलेक्ट होगी तो ये BL को सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। और PDA में जाएंगे, PDA में होगी AP वाली फाइल तो ये AP फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। और फ़ोन में जाएंगे तो यहाँ पे होगी ये CSCP वाली फाइल सेलेक्ट, इसको ओपन कर देना है। और CSE में जाएंगे तो हमको यहाँ दो फाइल मिलती CSE की, होम CSE और CSE, कोई भी सेलेक्ट कर लेना, हम CSE कर लेते हैं। और चलेंगे अब अपने मोबाइल की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमने फ़ोन पहले ही कनेक्ट कर दिया रहा। तो चलिए फ्लैश पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन हमारा डिटेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है इस पर, यहाँ पे डाउनलोडिंग बार चलने लगा है। और ये जो इमरजेंसी रिकवरी फंक्शन पे आ के रुक चुका है फ़ोन, ये क्या होता है कि कई बार गलत फ्लैशिंग हो जाने के कारण या हमारी फाइल फ्लैश होते होते रुक जाती है कई बार, और या तो हमारा फ़ोन सही से प्रॉपर फ्लैश नहीं हो पाता है उसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी हम बॉक्स की मदद से फ्लैश कर रहे हैं, तो सिस्टम में भी दिखा दूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी नीचे, तो यहाँ पे फ्लैशिंग चल रही है और यहाँ पे फ़ोन हमारे डिटेक्ट हो चुका है। तो चलेंगे अपने मोबाइल की तरफ और फ़ोन पूरा फ्लैश हो जाए उसके बाद देखेंगे कि हमारा फ़ोन का जो प्रॉब्लम ये जो आ रहा है स्क्रीन पे वो दूर हुआ कि नहीं हुआ।
हमने अपनी फर्मवेयर पहले ही एक्सट्रैक्ट करके इसलिए रखी रही क्योंकि वीडियो का साइज़ था वो बड़ा हो जाता, क्योंकि फर्मवेयर है बड़ी तो एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा समय ले लेती, इसलिए हमने पहले से ही एक्सट्रैक्ट करके रख लिया था फर्मवेयर को। तो देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन हमारा स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आपने मॉडल भी देख लिया है देख सकते हो। और सिस्टम में दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैशिंग डन, टाइम 4 मिनट का लग चुका है। और यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलिंग अपडेट, सिस्टम अपडेट हो रहा है, तो थोड़ा सा करेंगे हम वेट। देख सकते हो इंस्टॉलिंग अपडेट, सिस्टम अपडेट हो रहा है, तो थोड़ा सा करेंगे हम वेट। तो चलिए इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हो फ़ोन हमारा स्टार्ट हो चुका है, और हमारा कोई भी इमरजेंसी रिकवरी का जो था वो सब हट चुका है प्रॉब्लम। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स पे कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं प्रॉब्लम।
और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी ऐसी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सको और सीख सको सॉफ्टवेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।